हेलो एवरीवन, हम लोग आज न्यू चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखेंगे। तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि आखिर हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम लोग एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं, कहानी के साथ। मान लो कि आप किसी नवरात्रा या दशहरा के फेयर मेला में आप गए हुए हो घूमने, ठीक है। और मान लो कि आप गए कहाँ, लड्डू की दुकान पर। आप गए लड्डू की दुकान पर, ओके। ये हमारा शॉप नंबर 1 है। स्टोरी सुनना, बस आपको समझ में आएगा कि पढ़ना क्यों जरूरी है। मैथ तो बाद में हम लोग पढ़ ही लेंगे। आप दूसरे दुकान पर गए जहां पर समोसा मिल रहा है। एक और दुकान आपने गया जहां समोसा वगैरह बिक रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लड्डू, ये हो गया हमारा समोसा, ये शॉप नंबर 2 है। अब आपने क्या किया कि जितना समोसा खाया उसका दुगना आपने लड्डू खाया। आपने जितना समोसा खाया, आपसे आपकी मम्मी ने पूछा घर आने के बाद कि समोसा कितना खाया, तो आपने बोला कि मम्मी समोसा जितना भी मैंने खाया उसका डबल डबल ऑफ समोसा आपने क्या खाया, लड्डू। ये आपने मम्मी को बताया कि जितना भी मैंने समोसा खाया उसका डबल मैंने लड्डू खाया। समोसा की जो संख्या है, काउंट है नंबर, उसका डबल आपने खाया। तो फिर आपने मम्मी को बताया कि जो लड्डू है वो है 3 रुपए का एक, और जो समोसा है वह है 2 रुपए का एक। बहुत अच्छी बात है। और आपने आपको घर से टोटल कितना मिला था, आपको कुछ तो पैसे मिले होंगे, आपको घर से पैसे मिला था, तो आपने उसमें टोटल जो खर्च किया है, टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है किसमें, समोसा और लड्डू खाने में, वो है 20 रुपीज, ठीक है। तो मान ले हम लोग कि अपने पास हम लोग समोसा जो खाए हैं वो खाए हैं x, आपने जो समोसा खाया x और लड्डू खाया y। चलो इसको और आसान कर देते हैं, समोसा खाया एस और लड्डू खाया एल, कुछ ही नाम रखो आप, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे एक्स वाई लेके, आपकी मर्जी। तो आपको पता है कि जो लड्डू की संख्या है, लड्डू की जो संख्या है वो समोसे से दुगना है, ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो आप, लड्डू की जो संख्या है, हमने क्या बोला, आपने वाई लड्डू खाया और समोसा कितने खाया, नंबर ऑफ समोसा एक्स है। नंबर ऑफ समोसा क्या है, एक्स, और नंबर ऑफ लड्डू क्या है, वाई। और ये आपने बताया अपने मम्मी को कि समोसा जितना खाया उसका डबल काउंट में मैंने लड्डू खाया है। तो समोसा आपने खाया एक्स, लड्डू खाया था वाई, तो वाई क्या होगा, 2x। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, लड्डू है 3 रुपए का और समोसा है 2 रुपए का। आपने कितना खाया, समोसा x और 2 रुपए का एक समोसा, तो टोटल समोसे वाले को पैसा कितना दिया होगा, 2x। और आपने लड्डू खाया है कितना, वाई। और कैसे है एक लड्डू का कीमत, क्या है कॉस्ट,
3 रुपीज, तो आपने कितना लड्डू वाले को दिया होगा? 3 वाई। और आपने बताया कि टोटल लड्डू समोसा खाने में कितना खर्च किया है? 20 रुपये आपने बोला ना। अब आप देखो ये y इक्वल टू 2x क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है ना। और किसमें है? 2 वेरिएबल में। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 1। यहां भी क्या है? 1 1। तो इस तरीके के सिचुएशन तब हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया। किसको? यहां क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है किसमें है? इन टू वेरिएबल्स। और हम लोग स्टडी कैसे कर रहे हैं? दोनों को कंबाइन करेंगे तभी तो पूरा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो हमने y इक्वल टू 2x एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 20, ये दो इंफॉर्मेशन हमने मम्मी को पास किया, अपने माँ को पास किया। और इससे आपको पता है बहुत कुछ हम लोग समझ सकते हो, तो बाद की बात है हम लोग क्या कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी बात है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों पढ़ा। तो एक एग्जांपल आपको दिया, क्यों हमने पढ़ा, ये सिलेबस में क्यों आया, इसका इंपॉर्टेंस क्या। अब समझ में आया कैसे आया? तो यहां पर हमारे दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब बात ये आता है कि अब इसको हम लोग आगे चल के सीखेंगे, इसको सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करने के तरीके कैसे हैं। तो आपने एक चीज पहले पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? तो मान लो कि अभी ये जो एग्जांपल हमने लिया, एक लीनियर इक्वेशन हमने ऐसा निकाल लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 20। ये ज्योमेट्रिकल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपने पढ़ा था ये स्ट्रेट लाइन है। चलो फिर से एक बार हम रिविजन कर लेते हैं कि कैसे करता है, नहीं करता है। अब हम लोग सपोज एक इस तरीके से कुछ हम लोग बॉक्स बनाते हैं और x का कुछ कुछ वैल्यू लेते हैं और देखते हैं कि y का वैल्यू क्या। यहाँ x है, यहाँ y है। अब बाय द वे हम लोग y को 0 कर दें, x हमारा क्या हो गया? 10। थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए x को हम लोग y को 4 कर दें, कितना हुआ? 12। यहां आ गया 8, x हो गया 4। देखो तो अगर हम लोग y को 2 करते हैं, तो x क्या हो गया? 7। इस तरीके से आप बहुत सा पॉइंट निकाल सकते हैं। इसको जब आप x एंड y जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसके ऊपर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है? ओरिजिन। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। ये बहुत बड़ा हो सकता है, ये और बड़ा हो सकता है। ये है वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स मान लो ये निगेटिव वाई एक्सिस। तो वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 10। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लेंगे। सो 1 2 3 4, एक्स इक्वल टू 4, 1 2 3 4, वाई इक्वल टू 4। कुछ यहां पर हो गया पॉइंट। एक्स इक्वल टू 7, 5 6 7, और वाई इक्वल टू 2, 1 2, कुछ यहां आसपास होगा 7 एंड 2। अब आपको पता है कि बेसिकली ये क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। ये
जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो बेसिकली 2x प्लस 3y इक्वल टू 20 को ज्योमेट्रिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जैसे पॉइंट हमने बताया y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या हो गया हमारा 10, 0। तो एक बात आपको समझ में आया कि एक्स वाई के वैसे वैसे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, एक्स की जो भी वैल्यू यानी इसका जो भी सॉल्यूशन जो निकल रहा है, एक्स वाई के बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे। अब जैसे मैंने यहां पर आपको बोल दिया कि आप ऐसा करो कि एक्स इक्वल टू 5 ले, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 10y 3 2.3 है ना। तो एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, वाई कहीं ना कहीं यहां पर 3.3 के आसपास होगा, तो क्या होगा 5 10y 3, यानी जितने भी इसके सॉल्यूशन हो वो इस लाइन पर लाई करेंगे। क्या करेंगे इस लाइन पर, वो लाई करेंगे कहीं ना कहीं, यानी एक्स वाई के वैसे वैसे कॉम्बिनेशन जो इस लीनियर इक्वेशन को जो टू वेरिएबल में सेटिस्फाई कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, वो सारे पॉइंट इस पर होंगे, और वही सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन मिलकर ये क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला है। और उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 20। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमने क्या बोला, दिस इज स्ट्रेट लाइन। और अदर फॉर्म में क्या बोलते हैं कि जो भी इसके सॉल्यूशन है, ऑल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन को। तो ज्योमेट्रिकली कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम लोग अगर बोले कि जनरल फॉर्म में, इन जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो आप देख लो बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है जिसमें ए एंड बी बोथ आर नॉट 0, यानी इकट्ठे एक साथ ए और बी 0 नहीं हो सकते, इकट्ठे 0 हो जाएंगे तो ये 0, ये 0, तो क्या हो गया, ये तो फिर लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहा पहली बात। दूसरी बात कि ये टू वेरिएबल भी इसमें नहीं है, एक भी वेरिएबल नहीं बचा। तो एक बात का ध्यान रखना है कि ए और बी इकट्ठे 0 नहीं हो सकता, हाँ एक कोई हो सकता है एक बार में, फिर दूसरे बार में हो सकता है। तो इसको मैथमेटिकल हम एक और तरीके से लिखते हैं कि इस कंडीशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए या बी का कोई भी आप वैल्यू लोगे जो 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 कब होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो 0 कब होगा जब इकट्ठे ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, बाकी आप प्लस माइनस कुछ भी लेते रहो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ए माइनस 2 ले लो, ए प्लस 2 ले लो, एक बार में इसको 0 कर दो, इसको कुछ माइनस ले लो प्लस ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो भी ए और बी का वैल्यू इसको फॉलो करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो उसके लिए इनडायरेक्ट रूप में इसको कहा गया कि ए एंड बी बोथ नॉट 0, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये तो बात समझ में आ ही गया होगा, इससे कंफ्यूजन तो नहीं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ए और बी का कुछ भी वैल्यू ले लो वो 0 नहीं हो रहा है, बस शर्ते एक कंडीशन वो 0 होगा जब इकट्ठे और बी 0 होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्म है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे कि एक चीज समझ में आ गया कि एक जो स्ट्रेट लाइन है, एक जो लिनियर इक्वेशन, यानी कि एक हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है, एक इक्वेशन क्या है, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बेसिकली क्या है, आप समझो, लिनियर इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन, है ना। अब देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास दो स्ट्रेट लाइन दे दो, दो स्ट्रेट लाइन दे दो, तो बाय द वे एक को मैंने नाम लिखा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एक लाइन है आपके पास। दूसरा मैं लाइन दे दिया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दो लाइन दे दिया। कंडीशन वही रहेगा कि ए वन प्लस बी वन का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, ये मेंशन करना जरूरी है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। यहां भी वो वैलिड होगा कि ए टू प्लस बी टू होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए वन बी वन ए वन बी वन ए टू बी टू सी वन सी टू ऑल आर रियल, ठीक है। ये ऑल जो है, सारे जो नंबर है कॉन्स्टेंट ए बी सी ऑल आर रियल, ओके। तो मैं किसी और पॉइंट पर ले, तो नॉर्मल मैंने पहले आपको बता दिया था कि क्या कंडीशन, एक कंडीशन में लिख दिया। तो बेसिकली टू स्ट्रेट लाइन आपके पास यदि है, तो अगर मैं सिंपल बोला कि एक आपको पेपर दे दिया, प्लेन पेपर नॉर्मल दे दिया, और टू लाइंस मैंने आपको दिया है, ठीक है, मैं एक 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 टू, ये 2D की बात कर रहा हूँ, एक प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें दो लाइन कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि दो लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप क्या कर सकते हो कि एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करवा सकते हो, है ना पॉसिबिलिटी। देखो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और दूसरा इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और दूसरा इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दिया, दूसरा भी है इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है, कहने का मतलब चाहे तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे या पैरेलल हो जाए या एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाए, कोइंसिडेंट कोइंसाइड कर जाए, यही पॉसिबिलिटी है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है सोचो आप, चाहे दो लाइन क्या होगा, आप किसी भी एक प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में आप लाइन को रखो, चाहे तो इंटरसेक्ट करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो पैरेलल हो सकता है, या एक लाइन दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये तीन तरीके से किसी भी दो लाइन को, यानी हमारा एक लाइन क्या है, ये है एक लाइन क्या है, अब लाइन का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये पता, अब आगे आपको पता चलेगा कि ये चीज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं। पहले हम लोग हाइपोथेटिकल सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फिर हम लोग मैथमेटिकल उसको समझेंगे। तो अभी क्या है कि दो लाइन अगर एक प्लेन में आपको दे दूं, दो स्ट्रेट डंडा दे दूं, लाइन दे दूं, तो आप क्या करोगे, चाहे तो पैरेलल रखोगे या एक दूसरे के ऊपर लाई करवा दोगे, कोइंसिडेंट करवाओगे, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवाओगे, यही 3 पॉसिबिलिटीज है, ओके। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे कैसे इंटरसेक्ट करता है, कैसे पैरेलल करता है, बस आप देखते जाओ, आपको सारे समझ में आएंगे। तो सपोज मैंने एक इक्वेशन ले लिया एक्स प्लस वाई प्लस
प्लस टू इक्वल टू जीरो, और दूसरा मैंने एक ले लिया टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग पॉसिबिलिटी निकाल देते हैं एक्स वाई का दो फटाफट, ठीक है। हमने यहां लिखा एक्स, यहां लिखा वाई, हमने एक्स को जीरो किया, वाई क्या आ गया माइनस वन, वाई को जीरो किया एक्स आ गया माइनस जीरो पॉइंट फाइव। देखो तो ये जीरो हो गया माइनस माइनस वन बाई टू, जीरो पॉइंट फाइव एक आया। दूसरा हम लोग यहां देख लेते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स को जीरो किया वाई माइनस टू, वाई को जीरो किया एक्स माइनस टू, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको आप कंसिडर करें, ये टेढ़ा नहीं है बिल्कुल, ये 90 डिग्री पे होता है, ये ओरिजिन है। तो पहले हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसको अगर वन बोले इसको टू बोले, लाइन वन को ड्रॉ कर। तो वन टू थ्री फोर, सपोज एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस टू, वन टू कुछ ऐसा पॉइंट होगा। उसके बाद है वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू कुछ ऐसा होगा, यानी कि कुछ लाइन ये होगा रेड वाला ऐसा कुछ होगा, इसको वन जो हमने नेम किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, टू की तरफ जाते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, अब वाई इक्वल टू माइनस वन कुछ ऐसा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस वन, अच्छा वाई इक्वल टू, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू जीरो, अच्छा यहां पर बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया सॉरी, यहां पर वाई इक्वल टू जीरो सो एक्स इक्वल टू माइनस 0.5 या माइनस हाफ, वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस, तो वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। देख रहा एक्स वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, तो सॉरी कुछ यहां ऐसे पॉइंट हो दिखा आपको, तो हमने जीरो एंड माइनस वन, तो कुछ जो लाइन है इस तरीके से ये होगा। तो आपने देखा कि ज्योमेट्रिकली दो लाइन कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप ग्राफ पर करोगे बहुत अच्छे से क्लियर पिक्चर मिलेगा आपको। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट कैसे करना है। इसी तरह हम लोग एक और लाइन लेते हैं, सपोज एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं एक्स टू एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पर देखो आप फटाफट थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, एक से वाई, ठीक है। या इसको ऐसे कर दो आप सिंपल, अच्छा दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ओके। तो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस थ्री, वाई इक्वल टू जीरो सो एक्स इक्वल टू माइनस, दिख गया ये लाइन, यही है टू कॉमन ले लिया ये आया। दूसरा हम लोग करते हैं, यहां से ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहां है एक्स यहां है वाई, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस टू,
वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू। अब यहां पर आप देखो ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसको ड्रॉ कर रहे हैं पहले, ये ओरिजिन है, एक्स इक्वल टू जीरो है, वाई इक्वल टू माइनस टू, सो माइनस टू, ये पॉइंट आया। एक्स इक्वल टू माइनस टू यानी माइनस टू, वाई इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट आया, तो कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला। अब हम लोग इस पर आते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री यहां होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। दूसरा है y इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री ऐसे, ये पैरेलल होगा क्योंकि बेसिकली ये क्या है, जीरो माइनस थ्री ये पॉइंट है ना, ये क्या है हमारा माइनस थ्री जीरो पॉइंट है। अगर इसी तरह इसकी बात करूं, जीरो माइनस टू एंड माइनस टू जीरो, ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप ड्रॉ करके देखें। अब मैं इसी को अगर इस लाइन को थोड़ा सा बस इस तरीके से बोल दूं कि एक लाइन मैंने ले लिया, एक लाइन ये है, ठीक है, अभी कंसीडर करना x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, हमें दूसरा लाइन ले लिया 2x प्लस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो अब आप देखना यहां पर क्या, अभी हमने निकाला था एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस टू, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये प्रैक्टिस करना आप, ठीक है, इससे आपको समझ डेवलप होगा कहीं ना कहीं। अब यहां पर सपोज इस इक्वेशन को थोड़ा सा दूसरे कलर से करते हैं ताकि समझने में आपको आसानी, x एंड y, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू माइनस टू, देखो आप सॉल्व करके, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो डालोगे तो क्या होगा, माइनस फोर टू माइनस टू, देखो तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या मिल रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम लोग, जीरो माइनस टू और माइनस टू जीरो से हम लोग लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, और यहां भी क्या है, जीरो माइनस टू और माइनस टू जीरो से ड्रॉ करने वाले हैं, बात समझ में आ रहा है। अब इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस टू, एक पॉइंट ये है, दूसरा क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू, वाई इक्वल टू जीरो, एक पॉइंट है, ऐसा ड्रॉ किया। अब यहां अगर मैं कंसीडर करूं इसकी बात, यहां भी क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, वाई इक्वल टू जीरो, तो फिर ये लाइन इसी पर ड्रॉ हो रहा है, हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन से, इस केस में क्या हो गया, पैरेलल, और यहां क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर गया। तो दो लाइन इन जनरल फॉर्म में अगर दिया हुआ है एक प्लेन में, तो तीन तरीके से वो बिहेव कर सकते, चाहे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, या वो पैरेलल होगा, या कोइंसाइड कर रहा हो एक दूसरे पर, ये तीन कंडीशन हम लोग को मेट होता है। तो अभी तक तो हम लोग समझे कि पढ़ क्यों रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली कैसा वो दिखेगा, हमारे लाइफ में उसका यूज किया है। उसके बाद हमने दो लिनियर इक्वेशन को साथ मिलाया, यानी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश किया कि एक प्लेन में अगर वो है दिया हुआ तो कैसे कैसे वो दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये सारे चीजों के बाद हम लोग जनरलाइज फॉर्म में जाएंगे कि दो लाइन देखकर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे
कि दो लाइन का बिहेवियर क्या है, ये इंटरसेक्ट करेगा कि पहले। अब तो बार बार आप ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इतना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा अलजेब्रिक फॉर्म में, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जिससे दो स्ट्रेट लाइन या टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देख के हम लोग बता सकें कि ये वाकई में इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसाइड करेगा या कोइंसिडेंट ये दो लाइन हो, ये चीज को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। उसके समझने के पहले थोड़ा सा और हम लोग अभी इसमें और देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल यहाँ पर इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किए, ओके। अब एक चीज नोटिस करना आप, यहाँ जो दो इक्वेशन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक चीज आप समझ में आ रहा है कि किसी एक पॉइंट पर ही दो स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेक्ट करेगा, तो एक कॉमन जो पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट कोई तो कोऑर्डिनेट होगा, ये तो कोई ना कोई एक्स वाई ही होगा कोऑर्डिनेट, यानी कि इंटरसेक्ट अगर कर रहा है तो इसका एक कॉमन सॉल्यूशन है। मेरी बात समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? अगर ये दो कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन पर भी लाई करता होगा और इस लाइन पर भी, वो पॉइंट क्या है? ये जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पर अगर आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है इस दोनों स्ट्रेट लाइन को, इस दोनों इक्वेशन को, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो दोनों पर लाई करेगा। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक कॉमन सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो लाइन वन पर भी लाई कर रहा है एंड लाइन टू पर भी लाई करेगा, वही तो ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैं सॉल्यूशन की नजर से बात करूं तो दो पैरेलल लाइन में हम लोग कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, यानी कि कोई भी इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलग अलग पॉइंट होंगे, इसके अलग अलग होंगे। ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा है इसका जो भी पॉइंट है इस पर वो कभी नहीं लाइक करने वाला है, इसका जो भी पॉइंट है कभी नहीं लाइक करने वाला है, तीन दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जहां हम लोग कोइंसिडेंस की बात बोलेंगे तो इसका हर एक सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन को भी वैलिडेट करेगा, कोइंसिडेंट की बात में जब दो स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड करते हैं। बात समझना, तीनों में एक और चीज हमने क्या भी सीखा कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, पैरेलल में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, और जो हमारा थर्ड सिचुएशन है कोइंसिडेंट, इसमें सारे सॉल्यूशन कॉमन ही होंगे, इसका जो सॉल्यूशन जो जस्टिफाई वैलिडेट करेगा वो भी इसको भी करेगा, जो इसका करेगा वो इसको करेगा। हम लोग एक अभी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इससे समझ में आएगा और क्लियरली कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं तो क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकली इन फॉर्म ऑफ अलजेब्रा अलजेब्रिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखते हैं। है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स फरवरी 1992 मंथ है, उसमें इसका कीमत पाया गया 160 रुपये। अगले महीना देखा गया कि 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स का कीमत है 300। तो इसको हम लोग कैसे पहली बात की लिख सकते हैं? तो मान लो कि फरवरी में एप्पल का कीमत कुछ और होगा और इस समय एप्पल का कीमत कुछ और होगा, तो बेसिकली आप समझो कि मान लो कि एप्पल का जो प्राइस है, एप्पल जो प्राइस है वो क्या है, एक्स, और एक्स क्या है, फिक्स नहीं है, दिस इज वेरिएबल, मतलब हर एक मंथ इसका चेंज हो रहा है, हमें नहीं पता है एक्स है, एक्स क्या है एग्जैक्टली। उसी तरह अगर मैं बात बोलूं कि ग्रेप्स का जो प्राइस है पर केजी वो वाई रुपीज है, यानी आर एस एक्स है और आर एस इतना है, ये भी क्या वेरिएबल है ना, वेरिएबल। अगर मैं बात करूं मंथ फरवरी 1992,
दो केजी एप्पल का प्राइस कितना हुआ 2x, और 1 केजी ग्रेप्स y रुपीज, ये कितना है 160। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं मंथ फरवरी के लिए, ये बातें हैं। दूसरी मंथ की बात बोलें तो एक्स रुपीज है, हमें नहीं पता उस मंथ में एक्स कुछ और भी हो सकता है। 4 केजी एप्पल क्या हो गया 4x, 2 केजी ग्रेप्स 2y, ये क्या हो गया 300। ओके, अगर इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो बेसिकली हम लोग क्या करना होगा, यहां पर एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट कम से कम निकालना होगा, जिससे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे। तो सपोज यहां एक्स है वहां वाई, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या हो गया 160, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 80। चलो दूसरा ड्रॉ करते हैं हम लोग इसी तरीके से, एक्स एंड वाई, एक्स को अगर 0 कर दें तो वाई क्या हो गया 150, एक्स इक्वल टू 0 तो वाई 150, वाई को अगर 0 कर दूं तो एक्स 75, कुछ ऐसा आ गया। चलो अच्छी बात है, देखो यहीं से आपको समझ में आएगा। हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि 25 के मल्टीपल में लेते हैं या 50 के मल्टीपल में लेते हैं। ओके, ये 50 है, ये 100 है। अब देखो इस इक्वेशन के, चलो सपोज इसको हम लोग रेड से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट को, और दूसरे को ब्लू से करते हैं। ओके, तो ब्लू पहले देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 150, सो 50 100 150, कुछ ऐसा पॉइंट आएगा। दूसरा हम लोग एक्स इक्वल टू 75, सो कुछ यहां होगा, और वाई इक्वल टू 0 तो कुछ ऐसे पॉइंट होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन मेरा कुछ ऐसे। ठीक है, देखते जाना, इसमें तो आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग रेड वाले की बात करते हैं, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 160, तो हम लोग कितना लिए थे 50 100 150 160, सपोज यहां कुछ होगा। ठीक है, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 80, तो 50 80 कुछ यहां पर होगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन होंगे। अब देखना इसको हम लोग क्या करते हैं, अब कि मैथमेटिकली अल्जेब्रिकली हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो इक्वेशन 2 को बेसिकली 2 कॉमन ले लो तो क्या हो गया 2x+y इक्वल टू 300, सो 2x+y इक्वल टू 150। आपका एक इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, एक है 2x+y इक्वल टू 160। अब आप सोल्व करने की कोशिश करो, 1 इंटू, आप नोटिस करना कि एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी ले लो, हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, आप एक्स सपोज ले लो कुछ भी, और वाई कुछ भी ले लो, ये क्या है 2x+y इज इक्वल टू 150, और 2x+y इज इक्वल टू 160, ये पॉसिबल है कि एक्स वाई का वैल्यू डालें, एक्स वाई का ऐसा वैल्यू डालें जिससे 150 आ जाए, वही एक्स वैल्यू का यहां पर डालें तो 160 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इसका मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये कब होता है कोई सॉल्यूशन कॉमन नहीं मिले, जब लाइन पैरेलल हो। यहां देखो कुछ पैरेलल लाइन आपको दिख रहा है, तो ज्योमेट्रिकली आपको ये समझ में आया कि पैरेलल है, इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट एक दूसरे पर लाई नहीं कर रहा है, यानी कि कोई सॉल्यूशन हमें इसमें
नहीं मिल रहा है, यानी कि एप्पल और ग्रेप्स का कोई ऐसा कॉमन प्राइस नहीं होगा जो एक इक्वेशन को वैलिडेट करे और दूसरे को ही वो वैलिड कर ले। तो अलजेब्रा से आपको यहां दिख गया, अलजेब्रा से आपको यहां दिख गया। अब इसको सिंपल है वाई, अब यहां भी आप पुट करोगे तो सोल्यूशन ये देखो ना, वाई इक्वल टू, आप जैसे सिंपल देखना चाहो इक्वेशन वन को आप लो, वाई इक्वल टू क्या कहोगे, 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x क्या सोल्यूशन मिलेगा, पुटिंग इन 2, सो 2x y को कर दो 150 माइनस 2x इक्वल टू 160, ये तो कैंसिल हो गया, 150 इक्वल टू 160 है कोई सोल्यूशन, तो अलजेब्रा से आपको दिख रहा है। तो इसलिए यहां से मैं दिखाने की कोशिश किया कि जब दो पैरेलल लाइन, हम लोग यहां बात किए थे कि दो जब पैरेलल लाइन होता है तो कोई भी इनके पॉइंट कॉमन नहीं होते हैं, कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई दोनों को एक साथ नहीं करता है, यानी कोई इनके सोल्यूशन नहीं होते, ये बात समझ में आया।